हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 55B के बारे में, जो EVS की है। ठीक है, किसकी वर्कशीट है? EVS की। आज की डेट क्या है? 26/8/2021। और ये क्लास फिफ्थ की है। और टेक्स्ट बुक कौन सी है आपकी बच्चों? लुकिंग अराउंड। ठीक है, यूनिट आपकी इसमें जो है सुनीता इन स्पेस। कौन सी यूनिट है? सुनीता इन स्पेस। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है, यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है। और इस वर्कशीट के पहले मैं बच्चों आप सभी को एक बात बता दूँ कि क्या है इस मंडे से बच्चों क्या हुआ है, हमारे चैनल पर एक कॉन्टेस्ट चालू हुआ है। और उस कॉन्टेस्ट में आप सभी को बच्चों क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। कब से? मंडे से लेकर सैटरडे तक की जितनी भी आपके क्लास की वर्कशीट आती हैं, ठीक है, उन सभी वर्कशीटों को और वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट करना है। और संडे को क्या होगा, एक स्टूडेंट अनाउंस होगा जो कि विनर होगा, एक विनर का नेम अनाउंस होगा, जिस बच्चे से हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे और उसके घर उसको गिफ्ट सेंड करेंगे। तो यदि आपको भी पार्टिसिपेट करना है तो आप लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला गया। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आज हम पृथ्वी के संबंध में कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे। जो पृथ्वी है बच्चों, वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन संभव है। और इसके बारे में क्या करने वाले हैं आज, उसके कुछ रोचक बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में अच्छे से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप बनाया है जिसे हम ग्लोब कहते हैं। यानी कि वैज्ञानिकों ने क्या करा, पृथ्वी को अच्छे से समझने के लिए उसी के तरीके का एक क्या करा, एक नकली पृथ्वी बनाई जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। आप जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, इसे बोलते हैं ग्लोब। और ग्लोब पर विभिन्न स्थानों का अध्ययन करने के लिए इसे पर कुछ आकृतियां रेखा भी बनाई, ठीक है, कृत्रिम रेखा भी बनाई। ठीक है, आइए ग्लोब के बारे में अधिक जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि कुछ कृत्रिम रेखाएं भी देखो बनाई गई हैं, जैसे ये रेखा एक बनी है, एक ये बनी है, एक ये बनी है। तो इन रेखाओं के और इस ग्लोब के बारे में चलिए अब जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। ग्लोब को ध्यानपूर्वक देख कर नीचे दिए गए विवरण के आधार पर संकेत बॉक्स की सहायता पर, ठीक है, विभिन्न भागों के नाम जो है लिखने हैं हमें। देखें, ये पहला पॉइंट नंबर 1, उसके लिए क्या दिया गया है, ग्लोब का सबसे ऊपरी बिंदु होता है। ये क्या है, ग्लोब का बच्चों सबसे ऊपरी बिंदु है। और ऊपरी बिंदु को क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, उत्तरी ध्रुव। ठीक, तो पहले वाले का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। मैंने यहाँ पर देखो 1 लिख दिया है। ठीक है, इस वाले को यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा क्या बोला गया है, दूसरा देखो बोला गया है, ग्लोब के दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, यहाँ पर आप लिखोगे भूमध्य रेखा। लिखो भूमध्य और इसके बाद लिखो रेखा। ठीक है, ये देखो स्पेलिंग लिखी है, इसको लिख लोगे आप भूमध्य रेखा को। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। ठीक है, इसके बाद बोला है ग्लोब के ऊपरी भाग की स्थिति, जो ऊपरी भाग है उसकी स्थिति है कौन सा, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, जो तीसरा पॉइंट है ये क्या है, ग्लोब के ऊपरी भाग की स्थिति है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कर्क रेखा। कौन सी हो जाएगी, कर्क रेखा। तो यहाँ पर आप लिख देना कर्क रेखा। ठीक है, इसके बाद बच्चों चौथे पर क्या बोला गया है, ग्लोब के निचले भाग की स्थिति, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिख दो मकर रेखा। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, मकर रेखा हो जाएगा जिस पर सर्किल बनाया, ये पॉइंट नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। और ये वाला अब जो बच्चा है दक्षिण ध्रुव, ये पांचवे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देना पांचवे में। ठीक है, जो ग्लोब के सबसे नीचे भाग की स्थिति होती है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों क्या बोला गया है प्रश्न नंबर 2 में, प्यारे बच्चों क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी, साथ में दिए गए पृथ्वी के चित्र को अंतरिक्ष से लिया गया। देखिए ये चित्र क्या है,
पृथ्वी के बाहर से लिया गया है, ठीक है। और आप इस चित्र को देखिए और अपने पर्यावरण अध्ययन पुस्तक के पृष्ठ 105 पर दिखाए गए चित्र दिखाई गई पर भी देख सकते हो, ठीक है। इस चित्र को आप जो है अपने पर्यावरण पुस्तक के 105 नंबर पेज पर भी देख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, नीला, जो नीला रंग है बच्चों ये किसको दर्शा रहा है, समुद्र को, किसको, समुद्र को, समुद्र को किसको दर्शा रहा है, समुद्र या पानी भी आप लिख सकते हो, ठीक है, पानी को दर्शा रहा है, ठीक है, ये नीला वाला। इसके बाद ये जो हरा भाग है बच्चों ये किसको दिखा रहा है, तो भूमि को, किसको दिखा रहा है, भूमि के भागों को, किसको दिखा रहा है बच्चों, भूमि के। और सफ़ेद वाला भाग जो है ये किसको दिखा रहा है, बादल को, किसको दिखा रहा है बच्चों, बादल को, ठीक है, किसको दिखा रहा है ये, बादल को। आगे आपकी कार्यपत्रिका क्या होती है बच्चों, यहीं पर समाप्त होती है। एक्टिविटी, एक्टिविटी आपको एक दी गई है कि आप क्या करें, पुरानी गेंद की सहायता से ग्लोब बनाने का प्रयास करें और अपनी अध्यापिका के साथ साझा करें। क्या करेंगे आप, पुरानी गेंद घर पे ले लेंगे और उसकी सहायता से क्या करेंगे, ग्लोब बनाएंगे। और ग्लोब कैसे बनाएंगे, देखो एक पुरानी गेंद लेना, उस पर क्या करना, पेपर रैप कर देना, पेपर रैप करने के बाद जैसे ग्लोब में आकृति बनी होती है वैसे बना देना और उसको ब्लू से रंग देना, ठीक है। तो देखो इसको क्या करोगे, बना के अपने टीचर से आप साझा कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपकी कार्यपत्रिका यहीं पर होती है, ये वाली समाप्त। अगर आपको कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। संडे को विनर अनाउंस होगा और 110% आपको गिफ्ट मिलेगा।